डज दिस हैपन विद यू गाइज कि जब आप लोगों की पिक्चर क्लिक करें तो एकदम परफेक्ट आती है, बट जब वो आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो कॉज दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। कॉज आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप खुद से कैसे परफेक्ट पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजुअली हमें तीन तरीके की पिक्चर्स चाहिए होती है, पहली होती है सेल्फी, देन होता है मिड शॉट एंड तीसरा होता है फुल लेंथ शॉट। तो इन तीनों के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगी। सबसे पहले आती है सेल्फी। गाइज वी ऑल लव सेल्फीज, सेल्फी क्वीन, हम सब लोग लाइक ऑल आर सेल्फी क्वींस, वी ऑल लव क्लिकिंग सेल्फीज। बट देर आर फ्यू थिंग्स जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी सेल्फीज थोड़ा स्टैंड आउट करेंगी। सबसे पहली चीज है एंगल एंड लाइटिंग। ऑब्वियसली लाइटिंग इज द की गाइज। आपके पास चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, भले ही कोई बहुत ही सस्ता सा फोन हो या फिर कोई बहुत ही सस्ता सा कैमरा हो, बट अगर आपकी लाइटिंग एकदम परफेक्ट है, लाइक वो गोल्डन आर वाली लाइटिंग है ना, तो आपकी पिक्चर बहुत ही अमेजिंग आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम एंगल की। जैसे कि मेरा जो लेफ्ट प्रोफाइल है, दिस प्रोफाइल इज बेटर देन दिस आई गेस। सो आपका भी इनमें से लाइक कोई एक लेफ्ट या राइट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा होगा तो फाइंड दैट प्रोफाइल। एंड देयर इज वन थिंग जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है, वो है आपको हमेशा अपनी जो फोन का कैमरा है उसके सेंटर में रहना है। तो यूजुअली लाइक अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो कि आपको सेंटर में कैसे रहना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे फोन का स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। ये जो रूल ऑफ, ये जो थर्ड वाला रूल है ना, ये जो ऐसे पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो आपको हमेशा जो अपना फेस है उसको किसी भी क्रॉस सेक्शन जो है वहां पर रखना है, या फिर जो बिल्कुल सेंटर वाला, जो कैमरे का बिल्कुल सेंटर वाली जो चीज है वहां पर अपना फेस रखना है, तो आपकी सेल्फीज अच्छी आएंगी। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज जब आप कॉर्नर की तरफ होते हैं तो आपका फेस जो है वो थोड़ा चौड़ा लगने लगता है, या फिर आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी चौड़ी लगने लगती है। इसके पीछे आपने देखा होगा जब भी आप ग्रुप सेल्फीज क्लिक करते हैं तो जो इंसान सेल्फी क्लिक कर रहा है सबसे बेकार वही दिखता है। वो इसलिए बिकॉज जो कैमरे के जो कॉर्नर्स होते हैं उस साइड पे जो आपका कैमरा है वो आपको थोड़ा वाइडन अप कर देता है, थोड़ा चौड़ा कर देता है, थोड़ा मोटा दिखाने लगता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी सेल्फी एकदम परफेक्ट दिखे तो प्लीज मेक श्योर यू आर ऑलवेज इन द सेंटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिड शॉट। जो सेकंड वाला शॉट है, इट्स लाइक कि आपको अगर आपने कोई क्यूट सा आउटफिट पहना हुआ है एंड आप अपने हेड से लेके अपनी वेस्ट तक का पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डेफिनेटली बैक कैमरा ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको एक नॉर्मल सी पिक्चर चाहिए तो एज यू गाइस कैन सी मी हियर, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी दीवार है मेरी छत पे, मैंने इसके ऊपर ये ईंट को लगा दिया है एंड इस ब्रिक के ऊपर ही मैंने अपने फोन को थोड़ा सा अटकाया हुआ है। एंड उसके बाद मैं नॉर्मली सेल्फी टाइमर पे जो है अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर रही हूँ। एंड दिस इज रियली ईजी एंड दिस कैन गिव यू रियली गुड पिक्चर्स। आप चाहे पब्लिक में हो या फिर कहीं पर भी हो, आप इजिली अपनी पिक्चर को मिड लेंथ की पिक्चर में शूट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिक्चर्स क्लिक करने की जो लास्ट कैटेगरी मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है फुल लेंथ पिक्चर्स। हम सभी को एक अच्छी फुल लेंथ पिक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद होती है। वी ऑल लव पोस्टिंग OOTD और OOTN। OOTD इज आउटफिट ऑफ द डे, जिनको नहीं पता है उनके लिए, बिकॉज आई नो देर आर फ्यू पीपल लाइक माई ओन सिस्टर्स जिनको ये चीज नहीं पता होगी। तो यस, अगर आपको वो OOTD पिक्चर्स क्लिक करना पसंद है तो ये ट्रिक उन लोग के काम बहुत आने वाली है। एज यू गाइस कैन सी मी राइट हियर, मैंने जो अपना फोन है उसको मैंने बिल्कुल अपना जो सरफेस लेवल पे रखा हुआ है, एंड उसके बाद मैंने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया है। आई नो फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है सो दैट आई कैन जस्ट डू द फुल लेंथ शॉट। मैंने सामने 10 सेकंड्स पे इसको लगाया हुआ है एंड आई एम जस्ट मेकिंग फ्यू पोजेस राइट हियर। मैं थोड़ा सा लेफ्ट देख रही हूँ, थोड़ा सा राइट देख रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू लुक इनटू द कैमरा डायरेक्टली पिक्चर्स अच्छे नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट और मे बी समथिंग एल्स। That is what I am doing here. I am just making few poses. I really love the outcome. Please comment down below how do you find the pictures. And agar aapko ye wala video pasand aaya ho, then please please do like this video. This means a lot to me. And please subscribe kar do na yaar. I know 90% of you guys are not subscribed to my channel. So please please subscribe to my channel. I will see you in my next one. Till then, bye bye. Take care. Love you. Bye.